जय हिंद दोस्तों, नवरात्रा, दीपावली, दुर्गा पूजा इन सब तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर महीना केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही शानदार महीना रहने वाला है। इस महीने में पे पेंशन तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ दीपावली का बोनस भी मिलेगा। 18 महीने के बकाया डीए और डीआर एरियर की भी घोषणा हो सकती है और महंगाई भत्ता जिसकी उम्मीद सभी कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं वो आज फाइनल हो जाएगा। दोस्तों, हर एक मुद्दे पे आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, अक्टूबर महीने में कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेंगे एरियर और बोनस, बढ़ेगी पे और पेंशन। ओआरओपी 3 का 3 महीने का एरियर मिलेगा। जुलाई 24 से 3% डीएडीआर की बढ़ोतरी होगी। सैलरी में 3% का इजाफा होगा। पेंशन भी 3% बढ़ेगी। दीपावली का पीएलबी और बोनस मिलेगा। ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और पेंशनर्स को भी बोनस मिलेगा। 18 महीने का बकाया डीएडीआर एरियर और 3% या 4% कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, आज हो जाएगा खुलासा, क्योंकि आज होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। आज शाम 5 बजे होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। कैबिनेट बैठक में डीए पर हो सकता है फैसला। डीए में 3% की हो सकती है बढ़ोतरी और जुलाई 24 से 3% की डीएडीआर बढ़ोतरी होते ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का 3 महीनों का डीएडीआर एरियर अक्टूबर महीने के दौरान खातों में क्रेडिट होगा। साथ ही साथ अक्टूबर महीने की जो पेंशन है उसमें 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी और सैलरी में भी 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी और ये बढ़ोतरी आपकी 7वें पे कमीशन के अनुसार होगी। नवरात्रा, दीपावली पर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगी सौगात। 3 अक्टूबर को महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को गुरुवार यानी 3 अक्टूबर 2024 को मोदी सरकार नवरात्रा और दीपावली पर बड़ी सौगात दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाने के फैसले पर मोहर लग सकती है। गुरुवार 3 अक्टूबर को शाम को 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसी दिन से नवरात्रा के पावन त्यौहार की शुरुआत हो रही है। अक्टूबर के आखिर में दीपावली भी है। इन तैयारों को देखते हुए और महंगाई से राहत देने के लिए मोदी कैबिनेट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। इसकी संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 2 दिन बाद ही शनिवार यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% तक की बढ़ोतरी संभव है। मौजूदा समय में 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर 54% किया जा सकता है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लिया का फैसला लिया तो ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी मिलेगी तो एरियर के साथ ही मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर जो बात कही जा रही है 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की या महंगाई राहत बढ़ाने की, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा बदलाव हो, क्योंकि जो AICPIN के इंडेक्स है जो जून 2024 तक के, वो ये कहते हैं कि केवल 3% की डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी, लेकिन यहाँ पे ये न्यूज आई है 4% की, तो हो सकता है कि ये सच भी हो जाए। तो यदि जुलाई 24 से डीए डीआर बढ़ोतरी होती है तो 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके साथ साथ ही देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो भी केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले 7 मार्च 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई थी। साल में 2 बार जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया तो इससे 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा सीधा लाभ होगा और इस फैसले के चलते सरकार के खजाने पर 13,000 करोड़ रुपये के करीब बोझ आएगा। दोस्तों, ये 13,000 करोड़ रुपये सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। सरकार के खजाने में पैसों की कोई कमी नहीं है। चाहे 13,000 आए करोड़, चाहे 50,000 करोड़ आए, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का हित देखना केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का काम है और उनको ये महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देनी ही पड़ती है। इसी के साथ बात करेंगे दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स की। दोस्तों, अक्टूबर 2024 महीने के दौरान उन डिफेंस पेंशनर्स को जिनको सितंबर 24 में ओआरओपी 3 का एरियर नहीं मिला, उनको 3 महीने का एरियर अक्टूबर 2024 महीने के दौरान क्रेडिट होगा और अक्टूबर 2024 की पेंशन भी ओआरओपी 3 के साथ खातों में क्रेडिट होगी। इसके साथ साथ 3%
जब DADR में बढ़ोतरी होगी तो ये 3% बढ़ोतरी ORP3 की पेंशन के ऊपर भी लागू है। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर तीन महीने का ORP3 की पेंशन का एरियर जो 3% बनेगा डियरनेस रिलीफ, वो भी अक्टूबर 2024 महीने के दौरान खातों में आएगा। और साथ ही साथ अक्टूबर 2024 की जो पेंशन है उस पेंशन में, जो ORP3 की पेंशन है उसमें 3% की बढ़ोतरी फिर से हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी साल 2024 में रिटायर हुए हैं और उन्होंने यदि कंटिन्यूसली 6 महीना सर्विस करके रिटायर हुए हैं, जुलाई 2023 से लेके जून 2024 के बीच उन्होंने यदि फिजिकली 6 मंथ सर्विस की है तो उनको दीपावली का बोनस भी मिलेगा। हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनको दीपावली का बोनस लागू है। यदि ऐसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं और पेंशनर बन चुके हैं और उन्होंने पिछले एक साल में जुलाई 23 से जून 24 तक 6 महीने से ज़्यादा फिजिकल सर्विस की है और उनको दीपावली का एरियर नहीं मिलता है, तो वो अपने PCDA को या अपने अकाउंट ऑफिस को लिखें कि मुझे भी दीपावली का बोनस लागू है और मुझे अडहोक बोनस दिया जाए। जितना भी आपका बनेगा उतना बोनस आपको जरूर आपके खातों में मिलेगा। इसके लिए आप CP Gram के जरिए शिकायत भी डाल सकते हैं, लेकिन शिकायत आपको तभी डालना है जब बाकी पेंशनर्स जिनको दीपावली का बोनस लागू है उनका खातों में क्रेडिट हो चुका हो, और यदि आपका बोनस नहीं आया हो तभी आपको शिकायत डालनी है। अब दोस्तों, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ORP3 की पेंशन है उस पेंशन के ऊपर इस महीने जो 3% DADR की बढ़ोतरी होने जा रही है, उस बढ़ोतरी के बाद फाइनल पेंशन अक्टूबर 2024 की आपके खातों में कितनी आएगी। यानी 3% बढ़ोतरी के साथ और टोटल 53% DR के साथ आपकी ये पेंशन कितनी बनेगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आपको अक्टूबर 2024 की डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन बताऊंगा जो कि आपकी 53% DR के साथ क्रेडिट होने जा रही है। ORP3 पेंशन टेबल विथ 50% और 53% DR, साथ ही साथ जुलाई से सितंबर 2024 DR एरियर कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको रैंक क्वालिफाइंग सर्विस ORP3 की पेंशन, उसके बाद 50% DR के साथ 1 जनवरी 24 से आप पेंशन कितनी ले रहे, और अब जुलाई 24 से DR जब 53% हो जाएगा तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी, और जो 50 से 53 का 3% डिफरेंस है वो आपकी जुलाई 24 से हर महीने कितना पेंशन में बढ़ोतरी होगा, और उसी के अनुसार 3 महीने का जुलाई से सितंबर तक का आपका टोटल एरियर अक्टूबर 24 महीने के दौरान जो खातों में आएगा वो कितना बनेगा। देखिए, सिपाही 15 साल का जो आप 50% DR के साथ अभी 30,488 रुपये आपकी जो ORP3 की कुल पेंशन बन रही है वो 53% के साथ 31,097 रुपये बनेगी हर महीने, और 3% जो बढ़ोतरी हुई है वो 610 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी हुई है, और 610 से आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,829 रुपये आपको DR का एरियर खातों में देखने को मिलेगा। सिपाही 17 साल का आप यहाँ पे देखें तो 614 रुपये हर महीने बढ़ोतरी हुई 3%, और वो 1,842 रुपये आपको खातों में इसका एरियर आएगा। सिपाही 19 साल का देखें तो 643 रुपीज़ की जो बढ़ोतरी 3% के साथ होगी, और 1,928 रुपये आपके खातों में जो DR का एरियर आआएगा। अब आप जो 53% डियरनेस रिलीफ के साथ ORP3 की जुलाई 24 से पेंशन है उसको भी आप साथ साथ में यहाँ पे देख सकते हैं। अगली रैंक बात करेंगे नाइक 15 साल तो 31,643 रुपये पेंशन हो जाएगी, और 1,861 रुपये DR का 3 महीनों का एरियर आएगा। नाइक 17 साल में 32,877 रुपये पेंशन हो जाएगी और 1,934 रुपये एरियर आएगा। नाइक 22 साल में 36,061 रुपये पेंशन हो जाएगी और 2,121 रुपये एरियर आएगा। बात करें हवलदार रैंक 19 साल में तो 35,851 रुपये ORP3 की 53% DR के साथ पेंशन हो जाएगी, और 703 रुपये की बढ़ोतरी होगी पेंशन में, 2,109 रुपये एरियर आएगा। हवलदार की 20 साल में बात करें तो 37,887 रुपये पेंशन हो जाएगी और 2,229 रुपये एरियर आएगा। हवलदार 22 साल में 37,887 पेंशन और 2,229 एरियर। 24 साल में भी सेम, 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले हवलदार की 39,140 पेंशन हो जाएगी और 2,302 रुपये का एरियर आएगा।
आगे बात करते हैं दोस्तों ऑनरोड नायब सूबेदार की 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो 39,379 रुपये पेंशन हो जाएगी, 2,316 रुपये एरियर आएगा, और 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 40,909 रुपये की पेंशन हो जाएगी और 2,406 रुपये एरियर आएगा। बात कर लेते हैं पक्के नायब सूबेदार की 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो 41,042 रुपये पेंशन बनेगी और 2,414 रुपये एरियर आएगा। 26 साल में 41,152 रुपये पेंशन बनेगी और 2,421 रुपये एरियर आएगा। 28 साल में 42,764 रुपये पेंशन बनेगी और 2,516 रुपये एरियर आएगा। सूबेदार की बात करें 18 साल में क्वालिफाइंग सर्विस, 41,463 रुपये पेंशन बनेगी, 2,439 रुपये एरियर आएगा। 20 साल में भी सेम है। 26 साल में बात करें तो 44,064 रुपये 53% DR के साथ पेंशन बनेगी और 2,592 रुपये एरियर आएगा। सूबेदार 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 46,168 रुपये पेंशन हो जाएगी और 2,716 रुपये एरियर आएगा। सूबेदार 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 48,195 53% DR के साथ पेंशन होगी और 2,835 रुपीज़ 3 महीने का DR का एरियर खातों में अक्टूबर 2024 महीने के दौरान आएगा। आगे बात कर लेते हैं सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की। सूबेदार मेजर 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 51,638 टोटल पेंशन बनेगी 53% DR के साथ, जो कि 50% DR के साथ 50,625 रुपये हो रही थी, अब 51,638 रुपये आएगी और 1,013 रुपये की बढ़ोतरी होगी, कुल मिलाकर 3,038 रुपये एरियर के तौर पर खातों में आएगा। सूबेदार मेजर 30 साल की 51,638 से 52,670 रुपये पेंशन हो जाएगी, 1,033 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी और 3,098 रुपये एरियर आएगा। सूबेदार मेजर 32 साल की 51,863 से 52,900 रुपये पेंशन हो जाएगी और 1,037 रुपये की बढ़ोतरी, कुल मिलाकर 3,112 रुपये एरियर के तौर पर क्रेडिट होगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात कर लेते हैं सीधा हम 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो 61,125 से 62,348 आपकी 53% DR के साथ पेंशन हो जाएगी और 1,223 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी, कुल मिलाकर 3,668 रुपये एरियर मिलेगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस 63,036 1,236 की हर महीने बढ़ोतरी और 3,708 रुपये जो एरियर के तौर पर 3 महीने का खातों में आएगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट की 30 साल तक ही हमने क्यों लिए, क्योंकि ऑनरी लेफ्टिनेंट बनने के बाद मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 साल ही रखी गई है। ऑनरी कैप्टन की बात कर लेते हैं फाइनली, 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 65,025 पेंशन बनेगी और 1,275 हर महीने बढ़ोतरी, कुल मिलाकर 3,825 रुपये एरियर मिलेगा। 31 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस में 65,216 और 3,836 का एरियर। ऑनरी कैप्टन 32 साल में 65,216 एंड 3,836 रुपये एरियर। ऑनरी कैप्टन फाइनल बात करें तो पेंशन जहां ORP3 में 46,300 है, 50% DR के साथ मौजूदा समय में 69,450 ले रहे हैं, 53% DR के साथ ये 70,839 हो जाएगी, हर महीने बढ़ोतरी 1,389 की, कुल मिलाकर 4,167 का जुलाई अगस्त सितंबर का DR का एरियर अक्टूबर 2024 महीने के दौरान खातों में क्रेडिट होगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे ORP3 की पेंशन 50% और 53% DR के साथ टेबल और जुलाई से सितंबर तक मिलने वाले DR एरियर की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, ये आंकड़े 100% इसी के अनुसार होंगे, इसी के अनुसार आपकी पेंशन बनेगी और इसी के अनुसार आपका जुलाई अगस्त सितंबर का 3 महीनों का DR खातों में आएगा। अब जिसकी पेंशन प्रोटेक्ट है वो ORP3 में यहाँ पे जो आंकड़े दिख रहे हैं उनसे ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, तो उनका जो एरियर है हर महीने ज़्यादा बनेगा और जो 3 महीने का एरियर भी ज़्यादा आएगा, तो वो क्या करें, अपना जो पेंशन है ORP3 का उसको आप 53% से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करें, जितना अमाउंट निकल के आएगा उसको आप मौजूदा जो आपकी पेंशन है उससे माइनस कर दें और जो भी अमाउंट निकल के आता है उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका 3 महीने का एरियर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट की अक्टूबर 2024 महीने के दौरान केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या क्या सौगातें देने जा रही है उन सब की जानकारी। तो एक बार फिर आप सबको आने वाले त्योहारों की मुबारकबाद और जो भी आपकी पे और पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है उसकी भी बधाइयाँ, और आपका जो भी एरियर बन रहा है पेंशन बन रहा है उसकी कैलकुलेशन आप सही और सटीक जान के रखें, सही हक आपको मिलना चाहिए
जहां कहीं पे भी कम आपको मिले आप तुरंत अपना मुद्दा केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।